वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देव जू की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम है। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गाद नवलक्षण लक्षतम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पत्कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंधरौ द्विजवरौ युधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी उपम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृत मंद मते दयां दरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री प्रेम भक्ति चंद्र का पूर्व प्रसंग में श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ये निरूपण कराई थी कि इस शरीर के साथ में छह चोर छह शत्रु लगे हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मदमासर और उन छह शत्रुओं को कैसे वश में किया जाए ये एक मूल समस्या है। तो श्री
ठाकुर महाशय आज्ञा कर रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीब आनंद करी हृदय रुकु करी पराजय अनायासी गोविंद भजिब के मैं काम क्रोध लोभ मोह मद और अभिमान इनके साथ में मात्सर्य अभिमान इन सात जो डाकू हैं इन सात डाकुओं को यथास्थान नियुक्त करूंगा और आनंद करी हृदय इस प्रकार अपने हृदय में परम आनंद मानते हुए रिप कर पराजय शत्रु को पराजित करके आनंद को हृदय में धारण करके आनंद पूर्वक अनायासी गोविंद भजिबो श्री गोविंद का भजन करूंगा। स्थान स्थान पर इनको नियुक्त करूंगा मैंने कृष्ण भजन में विरोधी जो वस्तुएं हैं वे उनका कठोर साधनों से इनको विनाश करने की चेष्टा की जाए परंतु कठोर साधनों से विनाश करने की चेष्टा करने पर भी इंद्रियों के अधिष्ठा देवताओं को जो भोग प्रिय हैं उनको इंद्रिय निग्रह पसंद नहीं है इसलिए वे हृदय में स्थित ज्ञान दीप को बुझा देते हैं और फिर जो विवेक के द्वारा साधन स्थापित किया है वो साधन दोबारा नष्ट हो जाता है। विवेक ने कोई साधन किया परंतु वो साधन चल नहीं पाता है माने संयम तत्वतः एक बहुत बड़ा उपाय नहीं है। यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि यदि विवेक के आधार पर संयम को धारण करने का प्रयत्न किया जाए तब भी विवेक जहां शिथिल हुआ वहां संयम भी शिथिल हो जाता है इसलिए इंद्रियों को और ये काम क्रोध लोभ मोह इनको यदि किसी उचित स्थान पर लगा दिया जाए तो लगा देने पर फिर ये कहीं व्यस्त हो जाएंगे। ये मन बड़ा चंचल है। गांव में एक ढोकरी के ऊपर भूतनी आती थी। किसी व्यक्ति से कहा समझदार व्यक्ति कोई झाड़ फूक करने वाले हैं मन से सत्य को जानने वाले अच्छे तो उनको सा कहा कि भाई ये क्या दशा है इसकी क्या है तो उन्होंने उस भूतनी से कहा कि ए भूतनी क्यों इसको परेशान कर रही है क्यों नहीं छोड़ करके चली जाती है तो भूतनी बोली कि मैं तो छोड़ने के लिए तैयार हूं पर तो मुझे कोई काम बताओ। तो जो समझदार व्यक्ति थे उसने क्या किया एक बांस काट दिया और कहा तू इस पर चढ़ो होता तेरा काम हो गया। ऐसे ही इस मन को चाहिए कोई ना कोई काम। यदि इस मन को जो एक भूतनी है इस मन को यदि कोई काम बता दिया जाए तो जब तक कोई विषय नहीं बताया जाएगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं। ऐसी स्थिति में उसको काम बता दिया जाए कि ठाकुर जी की तू सेवा कर तो यथास्थान स्थाने स्थाने नियुक्त करीब काम क्रोध लोभ मोह इनको कोई काम बता दो यथास्थान इनको नियुक्त कर दो। काम किस बात में हो कामना किस बात की हो कि कृष्ण सेवा करना मुझे है। अब कृष्ण सेवा की व्यस्तता हो जाए कि सुबह 4 बजे को उठ करके 5 बजे को ठाकुर जी की मंगला करानी है फिर धूप आरती करनी है फिर श्रृंगार आरती करनी है फिर राजभोग आरती करनी है सेवा करनी है अष्टयाम सेवा का ध्यान करना है
श्रृंगार धराने हैं तो काम। इसी प्रकार क्रोध जो है उसको भक्त द्वेषी जितनी भी वस्तु हैं उनके प्रति क्रोध को कहीं लगा दिया जाए, तो जैसे यदि कोई व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलेगा तो उसको जैसे किसी भूतनी को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई काम नहीं मिलेगा तो वो फिर व्यक्ति को ही परेशान करता है, खाली बैठा व्यक्ति। इसी तरह से यदि उसको काम में लगा दिया जाए तो काम में लगा देने पर वही उपयोगी होकर के विराजमान हो जाएगा। ये नीति भी कहती है कि अम्बुलम औषधम नास्ति, नास्ति मंत्रम अनक्षरम, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। नीति के वचन है कि संसार में कोई भी घास पत्ती छोटी से छोटी वस्तु ऐसा नहीं है कि वो उपयोगी नहीं हो, वो किसी न किसी रोग की दवा है। अम्लम औषधम नास्ति, जितनी भी औषधि है वो कोई न कोई, जितनी भी घास फूस मूल किसी न किसी वस्तु की कोई न कोई औषधि है। ऐसे ही नास्ते मंत्रम अनक्षरम, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है कि जो मंत्र नहीं हो। तंत्र शास्त्र में यम रम लम जाने सारे जो हैं वो सब सब मंत्र हैं, तो प्रत्येक अक्षर कहीं ना कहीं मंत्र है, प्रत्येक घास प्रत्येक जड़ किसी न किसी की किसी न किसी रोग की औषधि होगा। और संसार में अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, परंतु किस व्यक्ति में क्या योग्यता है वो उस योग्यता का कैसे दोहन कर लिया जाए ये समझने वाला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ है। तो योजक स्तर दुर्लभ, किसका कहां पर प्रयोग किया जाए ये बड़ा दुर्लभ है। और श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय तो बड़े विद्वान हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह इनको भी उचित रूप से इनका भी योजक बन करके इनका भी कहीं उपयोग कर रहे। इसलिए कह रहे हैं कि माने भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, जो कष्ट देने वाली वस्तुएं हैं उनको भी कहीं भगवत सेवा में लगाया जाए। भगवान कह रहे हैं कि दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वी प्रपद्यन्ते माया मीता तरण देते, जो मेरी शरणागति ग्रहण करेंगे वे इस माया को पार हो जाते हैं। और माया को पार करने का मतलब ये है कि माया को काटना नहीं है, बल्कि माया के द्वारा जो हमको सुविधाएं मिली हैं उन माया की सुविधाओं का हम सदुपयोग कर लें, उनका बढ़िया सही विनियोग किया जाए, यही मुख्य वस्तु है। जैसे व्यवहार में भी जो भी वस्तु प्राप्त है उसका जिसने योजक बन करके उपयोग कर लिया वह व्यक्ति कहीं लाभ कमा जाएगा। वही के अमूलम औषधम नास्ति, जो और जितनी भी औषधियां भी कहीं मूल होकर के मूल के रूप में ही विद्यमान है, सभी मूल कहीं ना कहीं औषधि हैं, जो जितने भी अक्षर हैं नास्ति मंत्रम अनक्षरम, जितने भी अक्षर हैं वे सब मंत्र होकर के विराजमान हैं। अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य कोई पुरुष नहीं है, सब में कोई ना कोई क्षमता है, उसका उपयोग किया जाए। बस योजक की बात है, और ये योजक यही है कि आनंद हृदय करी, श्री आनंदमय प्रभु जो है उनको ही हृदय में धारण किया जाए। तो इन रिपुओं की भी गति यदि दिखानी है तो इनके प्रति ये रिपु अपनी शत्रुता के भाव का हमारे साथ में त्याग करके भक्ति देवी की करुणा से ये ही चिन्मय बन जाए। जैसे स्पर्श मणि यदि छू जाए तो स्पर्श मणि छूने से लोहा भी तामा भी लोहा भी जैसे
सोना बन जाता है, ऐसे ही काम क्रोध भी परम परम श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसलिए इनका सदुपयोग किया जाए। श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि श्री हरि के चरणाश्रित होकर के जब चरणाश्रित हो हुआ जाएंगे तो भक्ति के संपर्क में ये काम क्रोध भी इनका सदुपयोग हो जाएगा। इनका ये तो पराजित हो जाएंगे, बल्कि पराजित न होकर के उल्टे मित्र बन करके विराजमान हो जाएंगे। इसलिए अनायास गोविंद भजबो, मैं अनायास रूप ही गोविंद का भजन करूंगा। अब कैसे भजन किया जाए उसके लिए आगे कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा कामार्पण है। कृष्ण सेवा में कामनाओं का अर्पण कर दिया जाए कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। तो अन्य जितनी भी कामनाएं हैं, हम जो कुछ भी दुकान मकान फैक्ट्री नौकरी कर रहे हैं, उसमें ये भाव धारण करते हुए कि ये जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं ये भगवत सेवा के लिए कर रहे हैं। यदि अपनी कामनाओं के लिए करेंगे तो वही कर्म बंधन को देने वाला हो जाएगा, परंतु यदि उसी कर्म को कृष्ण सेवा के लिए किया जाए, समर्पित होकर के कर्म किया जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। काम करके कर्म करके कर्म का समर्पण करना वह है सात्विक, परंतु समर्पित होकर के कर्म किया जाए तो वह हो जाएगा आरोप श्रद्धा भक्ति। इसलिए समर्पित होकर के कर्म किया जाए। कृष्ण सेवा कामार्पण है, अर्थात मैं प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूं, श्री प्रभु की सेवा इसके द्वारा हो, इसका जो कुछ भी फल मुझे मिल रहा है वो भगवत सेवा में इसका विनियोग हो, ये विचार करते हुए यदि कर्म किया जाए तो हमारे कार्य करने की जो शैली है वो भी बड़ी अच्छी होगी और हम अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देंगे, कार्य को अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। क्योंकि श्री प्रभु को मुझे ये कर्म समर्पित करना है तो उल्टा सीधा करके ये समर्पित करूंगा तो प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। इसे सुंदर से सुंदर प्रकार से कर्म करके कर्म को भगवान को समर्पित करो। ये ऐसा करने पर हमारी कार्य कुशलता भी बढ़ेगी, स्किल भी बढ़ेगी, स्किल का उपयोग भी होगा, कार्य कुशलता का जो क्वालिटी है कर्म की वो भी बढ़ेगी और श्रेष्ठ कर्म की क्वालिटी करते हुए उसका श्रेष्ठ जो फल है उसको श्री प्रभु को समर्पित करना है, ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो कृष्ण सेवा कामार्पण है, कृष्ण सेवा में काम का अर्पण किया जाए। और क्रोध भक्ति द्वेषी जन है, भक्ति में द्वेषी जो वस्तुएं हैं उनके प्रति मैं क्रोध करूंगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए जो द्वेषी हैं उनका, मेरे अपने सुख में बाधा पड़ रही है, शरीर के सुख में बाधा पड़ रही है, उन लोगों के लिए द्वेष नहीं करूं, बल्कि कृष्ण भक्त द्वेषी जन जो हैं उनके प्रति मैं क्रोध करते हुए विराजमान हूं। तो क्रोध का समर्पण करना चाहिए, ये योग्य स्थान पर समर्पण करना कि भक्त द्वेषी जन जो हैं माने भजन में आने वाली जो बाधाएं हैं उन बाधाओं के लिए हम द्वेष करें कि अरे ये विषय मुझे खींच रहे हैं, मैं इन विषयों के साथ में अब मित्रता नहीं करूंगा। काम और प्रेम इनमें दोनों में मूलभूत अंतर है। काम का तात्पर्य है अपने सुख को चाहना, प्रिय संतर्पणे जो धातु है उसका तात्पर्य है प्यारे को सुख देना, उससे बना है प्रेम। प्रेम और काम इन दोनों में अनुभव बिल्कुल समान है, परंतु समान अनुभव होते हुए भी दोनों के स्वभाव में बड़ा भारी अंतर है, मूलभूत अंतर है। प्रेम में प्यारे का सुख है जबकि काम में अपना सुख होकर के ही विराजमान है। क्रोध भक्ति द्वेषी जन जो अनिष्टकारी क्रोध है वो कृष्ण सेवा के कार्य में
जो बाधा डालने वाले हैं उनके प्रति क्रोध किया जाए, और ऐसा करने से वे या तो अपने आप दूर हो जाएंगे या फिर वे कहीं बाधा डालना बंद कर देंगे। तो भक्ति द्वेषी जन उनके प्रति क्रोध करें, इसका सीधी सीधी बात है कि कहीं भगवान की और भक्ति की और भक्ति की इनकी निंदा हो रही है तो साधक का एक कहीं बनता भी है कि वो कहीं अपनी असहिष्णुता प्रकट कर दे। यदि हमें इतनी सामर्थ्य है कि हम उसका प्रतिरोध कर सकें तो उसका प्रैक्टिकल प्रतिरोध करें, यदि इतनी सामर्थ्य नहीं है तो हम कहीं तर्क के द्वारा उसका प्रतिरोध करें। यदि इतनी भी सामर्थ्य नहीं है, माने क्रिया के द्वारा रोकें, क्रिया के द्वारा रोकने की सामर्थ्य नहीं है, तो कहीं अपने वचन के द्वारा, तर्कों के द्वारा जो भक्त की, भगवान की या भक्ति की निंदा कर रहा है उसे रोकने का प्रयत्न करें। यदि इतना भी नहीं है तो कम से कम किसी तरह से अपनी अरुचि जरूर व्यक्त कर दें, तो हमारी अरुचि को देख करके जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो हतोत्साहित अपने आप ही हो जाएगा, और यदि हमने उसको हवा दी तो वो निंदा को और अधिक बढ़ेगा। और निंदा सुनने पर फिर कहीं भगवत भजन में, हमारे भजन में ही बाधा पड़ेगी। इसलिए क्रोध भक्त द्वेषी जन, भक्ति द्वेषी जन उनके प्रति क्रोध करेंगे तो भक्ति के प्रति जो विरोध की भावना है वो आगे बढ़ेगी नहीं। बुरी बात बढ़ने में बड़ी जल्दी बुरी बात बढ़ जाती है, निंदा की बात, नकारात्मकता के जो तर्क हैं वो जल्दी से व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, परंतु किसी की निष्ठा को जगाना, टिकाना, ये बहुत बड़ा कठिन है। किसी की निष्ठा को टिका देना बड़ा सरल काम है, परंतु किसी की निष्ठा को थोड़ा सा भी जमाना यह बहुत कठिन बात है। इसलिए जहाँ भक्ति की महिमा का गायन हो रहा है वहाँ पर निष्ठा को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए, किसी की निष्ठा को डिगाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और नकारात्मक जो शिक्षा है उसको न देकर के स्वीकारात्मक शिक्षा यह प्रदान की जाए। सामान्य शिक्षण में ही जब ये बात आती है कि बच्चे को सिखाते समय सदा ये ही सिखाना चाहिए, अन्वय मुख से ही सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, दो दो कितने होते हैं, चार, बच्चे से ये कभी नहीं पूछना चाहिए दो दो कितने हुए, तीन, ऐसा ये गलत तरीका है शिक्षण का। बच्चे को सदा सही बात ही सिखानी चाहिए। यदि आप ये कहेंगे बच्चे से पूछते हुए दृष्टि है आपकी सिखाने की, परंतु यदि नकारात्मक दृष्टि से यदि उसको सिखाएंगे तो वह उल्टी बात, नकारात्मक बात को जल्दी स्वीकार करेगा और उसकी निष्ठा कहीं नहीं जमेगी। इसलिए सिखाते समय ये सिखाना चाहिए कि दो दो कितने हुए, चार, ये कभी नहीं कहेंगे दो दो कितने हुए, तीन, दो, ना ऐसा नहीं, ये उसको सही जो बात है वो सही बात ही सिखानी चाहिए। ऐसे ही क्रोध भक्ति द्वेषी जने, जो भक्ति द्वेषी जन हैं उनके प्रति कहीं क्रोध धारण करते हुए अपनी अरुचि यदि दिखाई जाएगी तो वे जो नकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं या निषेध कर रहे हैं उसमें भी हतोत्साहित हो जाएंगे, इसलिए उनके प्रति क्रोध करें। तो यहां पर श्री सती देवी के जो वचन हैं उन वचनों का एक आदर्श कहीं साधक सती देवी ने एक आदर्श उपस्थित किया। दक्ष प्रजापति जब शिव जी की निंदा कर रहा है तो सती अपने पिता दक्ष से यही कह रही हैं, बोल पिता जहां पर अपने इष्ट की निंदा हो रही हो वहां पर तीन उपाय हैं। एक उपाय है कि निंदा करने वाले के साथ में झगड़ा कर ले और उसको पराजित कर दे, ऐसा नहीं करूंगी, न
निंदा करने वाले की छाती पर चढ़ करके उसकी जीभ खींच लो, ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह कहीं विरोध को उत्पन्न करेगा। दूसरा एक उपाय है वो ये कि अपने कान को बंद करके उठ करके चला जाए। वो उपाय भी मैं अपना सकती हूं, पहला उपाय भी अपना सकती हूं, मुझमें इतनी सामर्थ्य है कि मैं चाहूं तो तुम्हारी जीभ को बंद खींच लूं, परंतु ऐसा नहीं करूंगी, तुम पिता हो मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं। दूसरा कार्य भी नहीं करूंगी, क्योंकि अपने पति की अनुमति लेकर के, भगवान शिव की अनुमति लेकर के यहां नहीं आई हूं, उनकी बिना अनुमति के यहां पर आ गई हूं। उन्होंने तो मना किया था कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु उन्होंने मना किया, फिर भी मैं बिना उनकी अनुमति के आई हूं, इसलिए जाऊंगी लौट करके तो अपने माननीय स्वरूप को, स्वाधीन भर्तृका स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकूंगी, कभी उनके सामने रूठ नहीं पाऊंगी। और वे जब मुझसे दाक्षायणी कहकर के बोलेंगे, दक्ष पुत्री कहकर के बोलेंगे, तो मुझे ये लगेगा जैसे कोई मेरे भाला मार रहा है, मेरी हंसी कर रहा है। इसलिए तीसरा उपाय भी फिर अपना तो अंतिम उपाय है कोई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री सती देवी ने यही कहा कि कर्णो पिधाय निर्यात अंकल्प ईशे, यदि अपने ईश के प्रति कोई अपराध की भावना कर रहा है तो कान बंद करके भी चले जाना चाहिए, यही सबसे सुंदर मार्ग है। इसलिए क्रोधे भक्ति द्वेषी जने, अपना विरोध अंकित करते हुए हम अपना विरोध कर रहे हैं, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, अपने विरोध को तो दिखा देना चाहिए और फिर वहां से निकल जाना चाहिए। तो इन तीनों उपायों में से सबसे बढ़िया उपाय जो है वो ये कि अपने इष्ट की निंदा सुनना और सुनकर के सहन करना, ये भी एक अपराध है, इसलिए कहीं बच करके निकल जाना चाहिए, अपना विरोध जरूर दिखाना चाहिए, जिसे पता लग जाए कि नहीं ये बात ज्यादा विस्तार हवा को प्राप्त न हो, ज्यादा हवा न दी जाए। तो क्रोध भक्ति द्वेषी जने, भक्ति द्वेषी जनों के साथ में क्रोध प्रकट करते हुए विराजमान, परंतु यथासाध्य अपनी शक्ति को देख करके फिर कहीं विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो एक अव्यवस्था को की बात हो जाएगी। तो फिर लोभ साधु संगे हरि कथा, लोभ का अर्थ है कि लालसा, लालसा कहां होनी चाहिए, साधु संग में और हरि कथा, इनमें लोभ होना चाहिए। किसी स्पृहणीय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो तीव्र इच्छा, उसका नाम लोभ है। तो लोभ साधु संगे, साधु संग प्राप्त करते हुए और साधु संग करते हुए हरि कथा मुझे मिले, साधु संग इसलिए किया जाए कि मुझे हरि कथा प्राप्त हो, इसके लिए लोभ धारण करते हुए विराजमान होना चाहिए। इसका मतलब है साधु संग उनके साथ में किया जाएगा जो अपनी उपासना के अनुरूप है। श्री रूप गोस्वामी जी ने इसमें चार श्रेणियों का वर्णन किया कि किन के साथ में सत्संग किया जाए, सत्संग के लेकर के उन्होंने चार सोपान बताए। कृष्णेत यस्य गृहीतम मनसा गृहीतः, तो पहला एक सोपान है कि कोई भी कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है उसके प्रति आदर की भावना रखना, परंतु अभी सत्संग नहीं। कृष्णेत यस्य गृह, जिनकी जिह्वा के ऊपर कृष्ण ये दो अक्षर हैं, उनको मनसा गृहीतः, तो मन के द्वारा उनको आदर दिया जाएगा। अब दूसरी स्थिति आती, दीक्षास्तिश्चेत प्रणति भी, यदि वे संप्रदाय भुक्त हैं, दीक्षा प्राप्त है, तो ये समझना चाहिए कि उनकी कहीं ना कहीं निष्ठा है और तभी उन्होंने दीक्षा ली होगी। तो दीक्षास्तिश्चेत, यदि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की हुई है तो प्रणति भी, केवल उनको आदर ही नहीं
बल्कि उनको प्रणाम किया जाएगा, मतलब विशेष आदर किया जाएगा, नमन ही नहीं प्रणमन प्रणाम उनको किया जाएगा। ये दो स्थिति हो गई। केवल कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं इसका मतलब है कि अभी कहीं निष्ठा दृढ़ नहीं है, पर दीक्षा है तो जरूर कहीं ना कहीं उनकी निष्ठा दृढ़ हो गई होगी, एक जगह उन्होंने कहीं अपने आप को माना है, तो उनके साथ में प्रणाम भी करना चाहिए। दीक्षास्त चेत प्रणतिश्च भजंत मिष्टम सत्सेवया। अब ये तीसरी स्थिति है कि यदि तीसरा व्यक्ति कोई ऐसा है जो कि कृष्ण नाम का उच्चारण भी कर रहा है, दीक्षित भी है और साथ के साथ में ठाकुर की सेवा भी कर रहा है, भजन इष्टम, वो इष्ट का भजन भी करता है, भजन करते हुए भी उसके व्यवहार में भी दिख रहा है कि वो इष्ट का भजन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की सत्सेवया, उसकी सेवा भी करते हुए विराजमान, बिना ये विचार करते हुए कि ये किस संप्रदाय का है, नंबर की है कि रामानंदी है कि रामानुज है कि गौड़िया है, कौन है, इस बात का विचार करते हुए, और किसी की सेवा में यदि हम कुछ सहायता कर सकें, उसके भजन में कुछ सहायता कर सकें, ठाकुर जी की सेवा के लिए यदि उसको कोई चीज की जरूरत है और हम यदि उसको कुछ वस्तु दे सकें तो जरूर देनी चाहिए। तो यह तीसरी स्थिति हुई। अब चौथी स्थिति है कि भजन विज्ञम और अन्य निंदाति शून्य हृदय। यदि कोई व्यक्ति भजन के तत्व को जानने वाला है और किसी दूसरे की निंदा करता नहीं, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके साथ में सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग करना बहुत कठिन बात है, हर एक जगह सत्संग करना संभव नहीं है। सत्संग के लिए कहा गया कि उस व्यक्ति के साथ सत्संग करना चाहिए जो भजन के तत्व को जानता है, साथ के साथ में किसी दूसरे की निंदा भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ में सत्संग करने का लाभ होगा। तो चार श्रेणी हो गई। एक व्यक्ति है जो केवल कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है, अभी दीक्षित नहीं है पर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहा है, ठीक है, उसकी अभी कहीं निष्ठा एकदम कोमल श्रद्धा है, उसकी निष्ठा कहीं दृढ़ नहीं है। दूसरा व्यक्ति है जो दीक्षित है, तलक कंठी से पता लग रहा है कि इसको वैष्णव दीक्षा है, इसका मतलब है ठाकुर में उसने पूरा विश्वास कर रखा है, ऐसे व्यक्ति का विशेष रूप से सत्कार करना चाहिए, संप्रदाय भुक्त का, मनमुखी उपासना करने वाले का उतना सत्कार नहीं, जो संप्रदाय भुक्त है उसका विशेष रूप से सत्कार करना चाहिए। फिर यदि अपने संप्रदाय के अनुसार ही वह भजन करते हुए विराजमान है और भजन में निष्ठ है तो